मुरलीधर कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स में स्वागत है। तो ये सीलिंग फैन है, तो ये सीलिंग फैन में चलते चलते ये आवाज़ करता है। इसका ये देखिए आवाज़ करता है, तो इसमें जो है कभी कभी ये फंसने लगता है। तो इसका वायरिंग जो ख़राब हो गया है, पूरा तरह से ख़राब हो गया है, तो हम इसका वायरिंग चेंज करके आप लोग को दिखाने वाले हैं। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहें, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको जो है ये जो है कंडेंसर खोल लेते हैं। आप लोग को अगर यदि ये खोलने में भूल सकते हैं तो फ़ोटो खींच लीजिए, फ़ोटो खींच करके रख लीजिए। तो मेरा बात तो अलग है, हम तो मिस्त्री के। तो हम इसको खोल लेते हैं। तो हम सबसे पहले इसको खोलते हैं। ये खोल लिए, उसके बाद जो है पेचकस से इस वायर को हटा लेते हैं। इसमें देखिए चार वायर है, कोई कोई पंखा में जो है तीन वायर रहता है, इसमें चार वायर निकला हुआ, एक दो तीन, और यहाँ पे दो है, चार को हो गया, चार ठो इसमें है। तो हम आप लोग इसी तरह से खोल लीजिएगा। अगर यदि जो याद नहीं रहेगा तो आप लोग इसको फ़ोटो खींच सकते हैं, फ़ोटो खींच करके कर खोल सकते हैं। हम इसको अब ये फैन को खोलने वाले हैं। ये बहुत पुराना फैन है, इसमें जो है कभी वायरिंग वायरिंग चेंज नहीं हुआ है। तो हम इसको नट खोल लेते हैं। ये देखिए खुल गया है, एक तो और नट बचा हुआ है, ये खुल गया है। खोलने के बाद तो ये वायर को जो है यहाँ से इस तरह से कर देंगे, इस तरह से, ताकि ये हमारा ऊपर चला है। ये खुल गया। तो इसका वायरिंग देखिए काफ़ी ख़राब हो गया है, ये आवाज़ कर रहा है, वायरिंग चलते चलते जाम हो जाता है। ये देखिए वायरिंग जाम है। हम इसको ग्रीसिंग किए थे, फिर 10 दिन ठीक चला, फिर उसी तरह से हो गया। तो हम इसमें नया वायरिंग लगा के दिखाने वाले हैं। तो ये देखिए ये वायरिंग मार्केट से ख़रीद के लाए हैं, 6202 का और 6201 का। तो हम दोनों वायरिंग इसमें चेंज करने वाले हैं। तो अब ये जो है ये हमको खोलना है। तो ये कैसे खोलेंगे, तो ये एक हमारे पास लोहा है, लोहा की मदद से इसको जो है इस तरह से करके हम हल्का हल्का जो है इसको ठोकना है। ये देखिए ये हम इस तरह से हल्का हल्का ठोकेंगे, तो ये खुल गया हमारा। और खुल गया तो इसको तो हम यहाँ से इस तरह से कर लिए और इसको हम बाहर कर लेंगे, ताकि हमारा तार भी नहीं कटे। इसको हम बाहर कर लिए और ये हमारा खुल गया। तो हम इसको अलग में हटा के रख देते हैं अच्छे से। अब हम तो ये ख़राब हो गया, ये भी वायरिंग देखिए ऊपर नीचे दोनों वायरिंग ख़राब हो गया है। तो हम ये वायरिंग को देखिए फाड़ते हैं, यह 6202 का नया वायरिंग खरीदे हैं, और ये वायरिंग 6201 का, इसी में लगाने वाले हैं। तो ये देखिए ये इसका नाम है पुलर, ये वायरिंग खोलने का मशीन है।
देखिए किस तरह से बैरिंग खोला जाता है। तो ये कैप जो है, कैप हम यहाँ पे रख देते हैं बैरिंग के ऊपर में। रखने के बाद ये जो है बैरिंग है 6201 का, तो ये है 6201 का, तो हम इसमें जो है इस तरह से फंसा देते हैं बैरिंग के अंदर में। और ये जो है हम इस तरह से अंदर में इसको डाल दिए। डालने के बाद जो है हम एक पेचकस लेते हैं, पेचकस की मदद से यहाँ पे अब हम इसको ये नट जो है कस लेते हैं अच्छे तरह से। ये नट कसा गया है, अब हम इसको जो है घुमाते हैं ऊपर की ओर। तो ये पुराना है तो कड़ा तो होगा ही, घुमाते हैं पेचकस से। ये देखिए किस तरह से घुमा रहे हैं, और ये हमारा बैरिंग खुलने वाला है। ये देखिए बैरिंग हमारा खुल गया है, तो हम इसको ये बैरिंग खुल गया है, अब हम इस तरह से इसको निकाल लेंगे बैरिंग को। ये बैरिंग हमारा निकल गया है, अब हम इसमें न्यू, अब ये बैरिंग खोलते हैं 6202 का। और ये हो गया 6202, तो हम 6202 का खोलते हैं। इस तरह से कैप रखने के बाद यहाँ पे इस तरह से फंसा दिए बैरिंग के अंदर। फंसाने के बाद हम ये जो है इसको इसी तरह से क्लिप, यहाँ पे पेचकस डाल दिए। और ये जो है पहले तो हम ये नट, अंदर वाला नट को हम कसते हैं। कसने के बाद इसको उसी तरह से पीछे की ओर घुमाते हैं। ये पुराना है तो इसी कारण से ये देखिए खुल रहा है धीरे धीरे। ये हार्ड है, ये जो हमारा बैरिंग निकल गया है। अब हम इसी तरह से बैरिंग को इससे हम आसान तरीका से बैरिंग खोल सकते हैं। अब हम इसको साफ करके इसमें बैरिंग डाल देंगे। तो अब हम इसको ये बैरिंग जो 6201 का बैठा देते हैं। और हम इसको ठोक करके अच्छे तरह से, ये देखिए बैरिंग बैठ गया है, और ये बैरिंग भी बैठ गया ऊपर नीचे। अब इसको हम लगाते हैं। अब चलो, तो अब हम देखिए जिस तरह से खोले थे, अब हम उसी तरह से इसको लगा देते हैं। ये हो गया, और इसको हम बैठाने के लिए चला गया घाट पर। अब हम इसको जो है इस, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग यहाँ पे रखने के बाद जो है इस, इसको लगा के अब हम इसको बैठा देते हैं।
ये अभी पूरा तरह से नहीं बैठा है, अब हम इसको ठोकना पड़ेगा, हल्का हल्का ठोकते हैं बस बैठ जाएगा। तो ये जो है अच्छे तरह से जगह पर बैठ गया है, अब हम इसको कस देते हैं नट को। जिस तरह से था हम उसी तरह से लगा देते हैं।